गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा प्रोसेस कोस्टिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, इसी का ही एक सेकेंड चैप्टर है प्रोसेस कोस्टिंग का ही, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, कि प्रोसेस के अंदर का प्रॉफिट। अब लास्ट चैप्टर में जैसे हमने प्रोसेस कोस्टिंग के क्वेश्चन किए, तो आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने प्रोसेस में प्रॉफिट ऐड किया हो, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए इज़ ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, देन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बी इज़ ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसेस सी इज़ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। उसके बाद सेल किया जाता है और जो भी डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ पर्सन्स का ये मानना है कि जो प्रोसेस ए से बी में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इट शुड इंक्लूड प्रॉफिट। वो प्रॉफिट होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? एक तो आप एक्चुअल कॉस्ट की सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए, क्योंकि जो ऑनर है वो यही चाहते हैं कि उनका कितना प्रॉफिट है किसी को ना पता चले, तो वो चाहते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको छुपाया जाए। इसलिए प्रोसेस ए से जब बी में डालें, तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए। और सेकेंड रीज़न ये है कि अगर जो मतलब ऑनर है वो ये जानना चाहे कि अगर वो इसको मार्केट में सेल करे, आज की डेट में प्रोसेस ए का जो भी मटेरियल बना है, तो वो कितने में सेल हो जाएगा, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो वो ये जानना चाहता है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। इस वजह से भी उनका प्रॉफिट निकाल कर, प्रॉफिट उसमें ऐड करके फिर हम प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करते हैं, और प्रोसेस बी में भी जो भी प्रॉफिट बनता है वो ऐड करके फिर प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी को हम कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, इसका मीनिंग जो आपको बुक में दिया है, जनरली द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अनदर ऑन कॉस्ट बेसिस, सिमिलरली गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन फाइनल प्रोसेस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट टू फिनिश स्टॉक, कि जनरली हम कॉस्ट पे ही फिनिश स्टॉक जो है वो फिनिश स्टॉक में या डिफरेंट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ डिज़ायरेबल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, टू वैल्यू गुड्स प्रोसेस्ड बाय ईच प्रोसेस एट प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट प्राइस ऑफ कंपेरेबल गुड्स, कि आप उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकें, है ना। तो उसको ऐसे प्राइस पर आप ट्रांसफ़र करें जिससे आप उसको कंपेयर कर सकें कि जो आपने बनाया वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। थस प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोसेस इज़ रिवील्ड, इसलिए हर प्रोसेस का जो प्रॉफिट या लॉस है वो निकाला जाता है, ताकि जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी का भी पता चले। एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ अ प्रीवियस प्रोसेस, ताकि जो पिछली प्रोसेस है, जैसे सपोज़ प्रोसेस ए में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, है ना, तो प्रोसेस ए का अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो वो कम आएगा, तो पता चल जाएगा कि प्रोसेस ए में कितनी एफिशिएंसी थी, प्रोसेस बी में कितनी थी। तो ये कह रहा है कि ताकि एक प्रोसेस का जो लॉस है वो दूसरी प्रोसेस बियर ना करे। तो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड बीइंग जनरली हायर देन द कॉस्ट, ऑब्वियसली होगा ही, प्रोसेस की कॉस्ट से प्रोसेस की जो मटेरियल का मार्केट प्राइस है गुड्स का वो ज़्यादा होगा, तो जो प्रोसेस अकाउंट है विल शो सम प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर हम उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। एंड इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर दैट परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, जो भी दी होती है वो एट कॉस्ट भी हो सकती है और एट ट्रांसफ़र प्राइस भी हो सकती है। ट्रांसफ़र प्राइस यू कैन से द सेलिंग प्राइस, उस पर भी हो सकती है। तो जैसा भी आपको दिया है क्वेश्चन में, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे अगर आपको ऑन कॉस्ट दिया है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, 20% ऑन कॉस्ट दिया है। सपोज़ आपकी जो कॉस्ट है वो 10,000 है, तो 10,000 का 20% 2,000 प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिया है 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस, ट्रांसफ़र प्राइस पर दिया है, तो इट मीन्स फिर आप क्या करोगे? 20/80, है ना। ये सोच कर कि सपोज़ आपका ट्रांसफ़र प्राइस 100 है, आपका प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 80। एंड यू नो द कॉस्ट, आपको कॉस्ट पता है, है ना, तो आप क्या करोगे? 20/80। तो ये देखो, ये दो फॉर्मूले आपको पता चलेंगे कि इफ़ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ गिवन ऑन कॉस्ट, अगर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर दी है तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे 20% है, तो 20 इंटू जो कॉस्ट है, सपोज 10,000 है, तो डिवाइडेड बाय 100, 20 × 10,000/100। लेकिन अगर ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो ऑन ट्रांसफ़र प्राइस दी हुई है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जैसे सपोज 20, कॉस्ट 10,000, तो 20 × 10,000
डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज 20. तो 100 माइनस 20 80, तो वही आ जाएगा पर 20 बाई 80 इंटू 10,000. तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको परसेंटेज दी हुई है प्रॉफिट की ऑन कोस्ट, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम. आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू कोस्ट बाई 100. बट अगर परसेंटेज आपको प्रॉफिट की दी हुई है ऑन ट्रांसफ़र प्राइस, तो आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू कोस्ट डिवाइडेड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. तो ये कुछ फार्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा. उसके बाद देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, कि क्या एडवांटेज है. सबसे पहला एडवांटेज यही है कि आपको हर प्रोसेस की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि हर प्रोसेस कितना अच्छा काम कर रही है, उनको कितना अमाउंट प्रॉफिट का मिल चुका है ना. और लॉस में भी हो सकता है चली जाए, तो अगर लॉस में जा रही है तो वेदर इट इज़ बेनिफिशियल टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, क्या ये बेनिफिशियल है, तो यू शुड स्टॉप दैट प्रोसेस. सेकेंड, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. हर प्रोसेस की आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस अच्छा काम कर रही है, तो उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि उनकी प्रोसेस में प्रॉफिट ज़्यादा है. जो भी इंचार्ज है उनके, उनको मोटिवेशन मिलता है. नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोसेस. हर प्रोसेस की आपको प्रॉफिटेबिलिटी की नॉलेज होती है, और फिर आप उसको प्रॉफिट अर्निंग से भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट है उसमें सपोज़ 80% है ना, लेकिन अर्निंग आपकी ओनली 50% है, तो इट मीन्स सिस्टम इज़ डिफेक्टिव, तो इट शुड बी इम्प्रूव्ड. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शो तो करें 80%, मिल रहा है आपको 50%. और नेक्स्ट इज सीक्रेसी ऑफ एक्चुअल कोस्ट, कि अगर आप एक्चुअल कोस्ट को छुपाना चाहते हैं तो फिर इस मेथड से आप छुपा सकते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो आपको एक्चुअल कोस्ट जो भी देखने वाला है उसको पता नहीं चलेगी. और नेक्स्ट देखिए डिसीजन ऑफ परचेजिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बता रही थी कि अगर आपने प्रोसेस की कोस्ट निकाली और वो कोस्ट जो मार्केट में सेलिंग प्राइस है उससे ज़्यादा है, आपने बनाया 10,000 का मटेरियल, वही मटेरियल आपको मार्केट में 8,000 का मिल रहा है सेम क्वालिटी का, तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर कि आप उसको परचेज कर लें बजाय बनाने के. तो ये डिसीज़न कि वेदर टू परचेज और मैन्युफैक्चर, ये भी तभी पता चलेगा जब आप उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, है ना. तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट शुड बी इंक्लूडेड. अब देखो उसमें कुछ कमियाँ भी हैं. सबसे पहला इमेजनरी प्रॉफिट होता है. एक ऐसा प्रॉफिट है जो काल्पनिक है, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जब आप सेल करो तो इसी पर ही सेल हो, उससे कम या ज़्यादा पर भी सेल हो सकता है. सेकेंड, दिस प्रॉफिट इज़ अनरियलाइज्ड, आपको रिसीव नहीं हुआ है ना, तो इसकी वजह से जो आपका ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है हर प्रोसेस में, उसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड हो जाएगा, जबकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है. तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो उसमें एक ऐसा प्रॉफिट होगा जो कि उसका नहीं है, फिर आपको लायबिलिटी साइड में उसका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो आपको शो करना पड़ेगा. एंड लैक ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे बताया बैलेंस शीट एक्चुअल पोजीशन शो नहीं करेगी क्योंकि उसमें ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो कि अनरियलाइज्ड है, बिकॉज द डिस्क्लोज प्रॉफिट कंटेन द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कि क्लोजिंग स्टॉक हर प्रोसेस का उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा, तो इसलिए जो बैलेंस शीट है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी एक्चुअल पोजीशन शो नहीं करेगी. अब देखो इसी का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इन्होंने, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टॉक रिजर्व अकाउंट. अब ये क्या बता रहे हैं कि जितना प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड है हर प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक, उसमें जितना जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर दो किसमें, स्टॉक रिजर्व अकाउंट में. तो जब इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और स्टॉक रिजर्व अकाउंट बन जाएगा, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और लायबिलिटी साइड में आप इसको दिखा दीजिए किसको, स्टॉक रिजर्व को, है ना, या फिर डिडक्ट कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व का जो बैलेंस होगा वो डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की जिसको आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं. तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. तो ये तो थी थ्योरी इस चैप्टर की, कि अगर थ्योरी आती है तो वही आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस.